नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। मैं हूं राकेश। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन पर सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अशरफ अली ने समाज के अभिवंचित वर्ग के लोगों को भोजन कराया। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो श्री यादव ने हमेशा समाज के शोषित दलितों पिछड़ों की आवाज़ बनने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज लालू जी हमारे आदर्श हैं। उनका आह्वान था कि उनके जन्मदिन पर केक काटने के बजाय ज़रूरतमंदों को भोजन कराया जाए, उनके आंसू पूछे जाए। आइए सुनते हैं लालू यादव के जन्मदिन पर क्या कहते हैं अशरफ अली। 73वां जन्म दिवस मनाया गया लेकिन केक नहीं काटा गया, आखिर क्या कारण था? आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पर उनका आह्वान था। ये आह्वान था कि ये जो आफत का समय आया है, ये जो आपदा का समय आया है, इस आपदा के समय में बहुत से गरीब लोग जो बाहर में प्रवासी थे, मजदूर थे, प्रवासी थे और वो बहुत ही बुरी हालत में लौटे हुए हैं अपने प्रदेश में, अपने घर को, और उनके साथ साथ यहाँ के जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, मजबूर तबके के लोग हैं, वे सभी लोग बहुत ही कष्टों का सामना कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता दिख रही है। इन सारी बातों को सोचते हुए श्री लालू प्रसाद यादव जी ने अपने पार्टी के जरिए, अपने अध्यक्षता के जरिए लोगों के अंदर ये जागरूकता लाने की कोशिश की और उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि श्री लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, वो गरीबों के दाता हैं, कि उसको भोजन दिए, उसको बोलने के लिए आवाज़ दिए, उसको ज़मीन से ऊपर उठाए, ये सारी चीज़ें उन्होंने गरीबों के लिए किया। और आज वही गरीब बहुत ही मुसीबत में, बहुत ही कष्ट में चला गया है इस कोरोना महामारी के कारण। इस कोरोना महामारी में उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं अपने जन्मदिन के दिन पर या 73वां जन्मदिन के शुभ अवसर पे केक काट करके लोगों के बीच में खुशियां बांटूं, तो गरीबों के इस अवधारणा से अलग बात हो जाएगी। उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं हम गरीबों के लिए एक मर्मता का संदेश दें, हम जो हैं उस बात की गरीबों के बीच में संदेश दें। और उन्होंने अपने पार्टी के जरिए, अपने नाम के जरिए, अपने जन्मदिन के जरिए गरीबों के प्रति एक सहानुभूति प्रकट किया और अपने राजद कार्यकर्ताओं से ये कहा कि हमारे जन्मदिन के अवसर पे आपको केक नहीं काटना है, खुशियां नहीं मनानी है, आपको खुशियां इस तरह से मनानी है कि जो आपके क्षेत्र में गरीब लोग हैं उन गरीबों को खाना खिलाएं। उनका कहना था 100 गरीबों को खिलाइए, 200 खिलाइए, 500 गरीबों को खाना खिलाइए और खाना खिला करके मेरे जन्मदिन को मनाइए, जिससे कि एक वक्त कम से कम गरीबों को खाना खिला करके उसके आत्मा को हम संतुष्टि और सुख दें। लालू जी के जन्मदिन के अवसर पर आप आम लोगों से क्या अपील करेंगे? लालू जी के जन्मदिन के अवसर पर हम आम लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि सभी